नाज़रीन आइए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से चिकन करी बनाने जा रही हूँ। चिकन करी के अंदर जो जो चीजें डलेंगी वही सिंपल मसालों के साथ मैं लेकर ऑलवेज आपके पास बनाती हूँ सामने, के कोई ज्यादा मसाले नहीं डालती इसके अंदर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चिकन लिया है, ये मैं बेबी चिकन यूज नहीं कर रही, नॉर्मल चिकन जो होता है ये मैंने वो लिया और इसके छोटे छोटे मैंने पीसीस करवा लिए। और इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टमाटर डालूंगी, ये देख ले जितने मेरे पास हैं। एक ऑनियन यूज करूंगी, चिकन के अंदर ऑलवेज ऑनियन जो है वो कम ही यूज करना चाहिए क्योंकि चिकन का जो टेस्ट होता है वो इतना स्पाइसी या वो बनाने के बाद इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप उसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगी तो फिर वो जो है वो और ज्यादा वो स्वीट और मीठा आपका सालन रेडी होगा। तो उसके साथ ही मैंने ये जिंजर लिया है और ये गार्लिक है, देख लीजिए। तो आप तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बनता है ऑल टुगेदर इसको जब आप ग्राइंड करेंगी। टमाटर भी जो है हम इसको छोटे छोटे पीसेस करेंगे, ऑनियन के भी बारीक स्लाइस करेंगे बस। और योगर्ट हम डालेंगे तकरीबन इसके अंदर 4 to 5 जो है, ये मेरे पास देख लीजिए एक पॉट है योगर्ट का और मैं इसके अंदर हाफ डालूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 400 ग्राम का है तो 200 ग्राम जो है मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी मसालों में सिंपल जीरा पाउडर है मेरे पास, चिली पाउडर और एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल शामिल किया, वेजिटेबल ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है और साथ ही मैंने ऑनियन देखे बारीक स्लाइस करके मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूंगी। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसको मैं निकाल के जो मैंने आपको जिंजर गार्लिक बताया था उसके अंदर और टमाटर जितने मैंने आपको बताए थे वो सारे एक साथ आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने ये ओनियन जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लीजिएगा, फिर आपने जिंजर गार्लिक और जो टमाटर है वो सबको उनकी आपने पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोबारा आपने उसको ऑयल में डालना है और फिर हम उसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैंने नीचे पहले से इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था ताकि ये साबुत इसके पीसीस ना रहे। फिर साथ ही मैंने टमाटर डाले और ये ऑनियन इसके अंदर डाल दिया। मैं सब इसको मिक्स इकट्ठा जो है वो मैं ग्राइंड गर्म था वो मैंने तीनों चीजें ग्राइंड करके इसके अंदर डाली है। आप जरूर पूछेंगी मेरे से कि आपने ये ग्राइंड क्यों की, क्योंकि हम चिकन का सालन बना रहे हैं तो चिकन जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो जो प्याज है वो बहुत कच्चा रह जाएगा अगर हम इसको अच्छे तरीके से गलाएंगे नहीं। तो अगर प्याज को हम कुक करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल हरीसा हो जाएगा। तो इस वजह से प्याज को थोड़ा सा सुरक करके ऑलवेज जब भी कोई चिकन की आप करी बनाएं तो आप उसको ग्राइंड कर लिया करें। तो अब मसाले में डालने लगी हूँ, 1 टीस्पून में ऐड करूंगी स्पाइस जो अपने हिसाब से ऐड करें, कम खाते हैं तो कम डालें, ज्यादा अगर खाती हैं तो ज्यादा डालें। और कोरिएंडर पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड पाउडर है जीरा पाउडर वो मैं 1 टीस्पून सॉरी डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर डाला है, हल्दी और सॉल्ट अपने हिसाब से ऑलवेज डाला करें 1 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ, डाल दिए। साथ ही मैं इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी। चिकन डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद इसको तेज आग पर इसका पानी जो है ड्राई करें क्योंकि हमें इसको जरूरत नहीं है इसको और ज्यादा लो हीट पे पकाने की क्योंकि चिकन जो है ये इसी पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये जब ऑयल ये देखें थोड़ा सा इस तरह से निकल आए, चिकन का पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो आप साथ ही इसके अंदर जो है वो योगर्ट ऐड कर दीजिएगा। मैंने योगर्ट ऐड करके तो उसी तरह से आपने फुल इसकी हीट कर दी है, योगर्ट भी पानी इसका छोड़ेगी तो वो भी पानी जो है हमने बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है इस तरह से। मैंने देखे दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, भूनने के बाद भी देखिए इसकी कितनी अच्छी और मजे की इसकी शक्ल लग रही है। तो बस अब आपने इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको दम पे रख दीजिएगा। जब ऑयल इस तरह निकल आए मैं आपको करीब से करके दिखा देती हूँ इसकी शक्ल, ये कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, कोई ज्यादा मसाले इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किए। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये आप रेसिपी चिकन की बहुत पसंद आई होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।